नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। दोस्तों बिग बॉस 12 में आज हुआ वीकेंड का वार, यानी सैटरडे है। सैटरडे को सलमान खान आते हैं और लेते हैं लोगों की क्लास, और इस बार लिस्ट थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। मगर आज मैं उस शख्स की बात करूंगी जिसने अभी अपने असली चेहरे में आना शुरू किया है। तो बात करते हैं रोमिल चौधरी की। उससे पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों बात करते हैं रोमिल चौधरी की। आजकल रोमिल चौधरी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं बिग बॉस के घर में, क्योंकि अब उनकी संगत हो गई है अच्छी। पहले जब रोमिल चौधरी आए थे तो आते ही वो उस शख्स के साथ आए थे जो अभी बहुत ज्यादा चर्चित है अपनी बैड पर्सनैलिटी के लिए, यानी कि सुरभि राणा के लिए। सुरभि राणा के साथ जोड़ी में रोमिल चौधरी आए थे और काफी हद तक वो सुरभि राणा के दिमाग के साथ चल भी रहे थे। लोगों का कहना था कि रोमिल चौधरी अपना मास्टर माइंड यूज कर रहे हैं, मगर बाद में जब चीजें खुली तो पता चला कि रोमिल चौधरी तो काफी शरीफ है, काफी ज्यादा अच्छे खिलाड़ी है, मगर सुरभि राणा की संगत की वजह से उनका ये हाल हो रहा था। खैर जब ये चीजें अनफोल्ड हुई, जब सुरभि राणा ने खुद अपने और रोमिल के ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को भी तार पे रखकर शो में आगे बढ़ने की चीजें की, तो रोमिल चौधरी की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या हो गया, ये इसने इतना सब कैसे बोल दिया। रोमिल चौधरी ने, हमने बात भी की थी, अपने बेटे की भी कसम खाई, मगर सुरभि राणा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उसने कोई ऐसा वाक्य नहीं रोमिल चौधरी को कहा जो उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करता हो। खैर रोमिल चौधरी को ऐसा सबक मिलना जरूरी भी था, क्योंकि काफी देर तक वो उनके साथ चलते आ रहे थे। अब जब रोमिल चौधरी आ गए हैं श्री शांत के साथ, दीपिका के साथ और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, मेगा है, जसलीन है, तो इन सबके साथ आ गए हैं, तो अब उनकी गेम थोड़ी और भी निखर के सामने आई है, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी और भी निखर के सामने आई है। आप आज के एपिसोड में देखेंगे पहली बार रोमिल चौधरी को श्री शांत के हक में इतना ज्यादा भड़ास निकालते हुए, इतना ज्यादा गुस्सा करते हुए, क्योंकि आज जो श्री शांत के साथ होगा वो बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेंगे और अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो रोमिल चौधरी से देखा नहीं जाएगा। आपको अगर याद हो कि रोमिल चौधरी वही है जिन्होंने श्री शांत से लड़ाई करके उनका बैन जो हाथ में बांधते हैं वो उनको वापिस कर दिया था कि आप मेरे फेवरेट अब नहीं रहे, जबकि रोमिल भी क्रिकेट की बैकग्राउंड से और श्री शांत को वो बहुत मानते थे, मगर वो जो मानने वाली चीज है वो वापस रोमिल चौधरी में आ गई है। उनको समझ में आ गया है कि सही पॉइंट क्या है, सही जगह कौन सी है उनकी, क्योंकि विनर सारे इस साइड में बैठे हैं, उस साइड में सिर्फ वो लोग बैठे हैं जिनको एंटरटेनमेंट देने का घमंड है। मगर एंटरटेन लोग होते हैं कि नहीं वो उनको नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है हम जोर जोर से बोलेंगे, हम दूसरे की बेइज्जती करेंगे तो एंटरटेन लोग होंगे। खैर उनकी बात नहीं करते, उनके लिए तो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। बात है रोमिल चौधरी की, तो आज रोमिल चौधरी का वो रूप दिखने को मिलेगा जिसमें वो अपने फ्रेंड श्री शांत का पक्ष लेते हुए नजर आएंगे और सुरभि राणा के लिए बोलते हुए नजर आएंगे कि ये लड़की कौन से कैरेक्टर की बात कर रही है, क्योंकि इसने तो किसी के कैरेक्टर पे भी किसी के कैरेक्टर को भी नहीं छोड़ा। तो ये जो बातें हैं आज रोमिल चौधरी की समझ में आएंगी, दिखेंगी, और रोमिल चौधरी की गेम इम्प्रूव्ड हो रही है ये भी आज आपको दिखेगा। तो रोमिल चौधरी भी विनर्स की लिस्ट में आने शुरू हो गए हैं, तो देखते हैं कि कहां तक पहुंचते हैं, विनर होते भी हैं या नहीं होते हैं। खैर आप देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.